Hello friends, very warm welcome in Modulation Institute. आप लोगों का Modulation Institute में बहुत बहुत स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे AMI का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है उसका ग्रुप A एंड ग्रुप B. आप जो लोग AMI की तैयारी कर रहे हैं उसका सबको पता होगा कि AMI में दो ग्रुप होते हैं फ्रेंड्स. पहला होता है ग्रुप A जो कि आपके असेंशियल सब्जेक्ट्स होते हैं, कंपल्सरी पार्ट होता है, और दूसरा होता है ग्रुप बी जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें आप ऑप्शनल ले सकते हो. ग्रुप ए में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपको सब क्वालिफाई करना होता है, और ग्रुप बी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आप चूज कर सकते हो. तो आज हम ग्रुप ए का एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. तो इसमें हम कैसे करेंगे ये बेसिकली अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे पढ़ना. पढ़ने से पहले मैं इसमें क्या क्या यूनिट्स हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो सब डिस्कस करने जा रहा हूँ. उसे डिस्कस करने से क्या होगा, आप लोगों के मन में एक खाका तैयार होगा सब्जेक्ट्स को लेकर के, किस सब्जेक्ट्स में आपको क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. और उसको क्लियर होने के बाद आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट है जिसको हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं. उसके बाद सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद में AMI के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे. और डिस्कस करने के बाद यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस सब्जेक्ट. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. चलिए, तो ये हमारे 7 पॉइंट्स हैं इस सब्जेक्ट के जो कि आपका नाम सब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. इसमें मोटे मोटे आपके 7 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है, जिसको कवर करना है और जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो हर एक टॉपिक की अपनी एक कहानी है फ्रेंड्स, वो आपको याद रखनी है और वही आपको लिखना है AMI के एग्ज़ाम में. और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो लोग AMI के अलावा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि SSC की तैयारी कर रहे होंगे या RRB की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए भी ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं. या आप पैरेलल में तैयारी कर रहे होंगे AMI प्लस आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो दीज लेक्चर्स आर गोइंग वेरी हेल्पफुल टू यू और आपको समझ में आएगा, ये मेरा आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इसका पहला टॉपिक है, दैट इज़ योर बायसिंग टेक्निक. तो फ्रेंड्स, जो बायसिंग टेक्निक होती है, अगर इस टॉपिक की हम पर्टिकुलर बात करें तो आपको बायसिंग का पता होना चाहिए कि बायसिंग क्या होता है. ठीक है, इस टॉपिक में आपको जो बेसिकली बायसिंग होता है, बायसिंग का मतलब होता है कि आप किसी सर्किट को, चाहे वो BJT हो चाहे वो FET हो, उसको वोल्टेज जो दे रहे हो वो किस फैशन में दे रहे हो, उसी को बायसिंग बोलते हैं. और यहाँ पे बायसिंग के कुछ टाइप होते हैं फ्रेंड्स. वन इज योर फिक्स्ड बायसिंग, फिक्स्ड बायसिंग. सेकंड इज वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग. इसको सेल्फ बायसिंग भी बोलते हैं. और एक क्वेश्चन एग्जाम में इससे जरूर पूछा जाता है. तो मैं साथ साथ में आपको ये भी बताता चलूँगा कि कौन सा जो आपका कौन सा पॉइंट है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ बायसिंग में मैंने बताया वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक इन योर फर्स्ट चैप्टर. ये आपको याद रखना है, जो अगर आप लोग मेरे नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको पॉइंट आउट करना है कि हमें वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग नहीं छोड़ के जाना है अगर हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं तो. थर्ड इज योर एमिटर बायसिंग. तो ये कुछ बायसिंग है. ये क्या होता है बायसिंग, हम ये सब देखेंगे धीरे धीरे कि फिक्स बायसिंग क्या होता है, आपका वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग क्या होता है, सेल बायसिंग, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे. उसके बाद सेकेंड इज योर हाइब्रिड. इसमें जो पढ़ना है आपको बायसिंग टेक्निक में, हाइब्रिड मॉडल. हाइब्रिड मॉडल को फ्रेंड्स H मॉडल भी बोलते हैं. इसको हाइब्रिड मॉडल क्यों बोलते हैं, सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है उसके, अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूँ कि जो BJT है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसका शेप इज लाइक दिस. इसको बोलते हैं आप बेस, इसको बोलते हैं आप कलेक्टर, इसको बोलते हैं आप एमिटर. ठीक है, तो ये कुछ इस शेप का होता है.
अगर हम इसको एक नेटवर्क की तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स ऐसे, दिस इज योर वोल्टेज, दिस इज योर करंट, दिस इज योर रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर एडमिटेंस। तो ये मोटा मोटा रिप्रेजेंटेशन है आपके ट्रांजिस्टर का। अब आप जब देखोगे, जब आप इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालोगे, मतलब आप इसका वोल्टेज गेन निकालोगे, करंट गेन निकालोगे, तो ये एक मिक्स पैटर्न है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है और यहाँ पे एडमिटेंस है। एडमिटेंस मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये एक हाइब्रिड फिगर है, हाइब्रिड आपका मिक्सचर है बेसिकली। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइब्रिड मॉडल और एच मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, इम्पोर्टेंट एक चीज है जो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट इज योर एच मॉडल। जनरली जो लाई करता है वो मिड फ्रिक्वेंसी के लिए करता है, मीडियम फ्रिक्वेंसी के लिए करता है, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी के लिए लाई करता है। और इसी को हम हाई मॉडल, हाई फ्रिक्वेंसी पे जब देखते हैं तो उस मॉडल को बोलते हैं पाई मॉडल। ये सब आप नोट कर लीजिएगा, पाई मॉडल इज फॉर हाई फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी के लिए आपका हाइब्रिड मॉडल होता है। तो उसमें जो पाई मॉडल होता है उसमें चीज़ें बदल जाती हैं, कंपोनेंट्स बदल जाते हैं, उसमें जो है कैपेसिटर आपका पिक्चर में आ जाता है। बट मिड फ्रिक्वेंसी में क्या है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लो फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी में, क्योंकि आपको पता है जो सी होता है, सी के केस में जो एडमिटेंस होता है डेट इज़ 1/j ωc। तो जब ये सी जीरो होगा तो इट वुड बी इन्फिनिटी, मतलब ओपन केस होगा। और अगर ये सी ज़्यादा है, इफ़ इट इज सॉरी ओमेगा जब कम होगा, ओमेगा इज जीरो एट लो फ्रिक्वेंसी, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और जब हाई फ्रिक्वेंसी पे इसकी कुछ वैल्यू रहेगी तो ये कैलकुलेटिव रहेगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल पे आपका सी पिक्चर में आ जाता है और इसको बोलते हैं पाई मॉडल। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये सब आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया फर्स्ट चैप्टर में, आपको क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है आपको बायसिंग, क्या क्या बायसिंग होती है आपकी, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, फिक्स बायसिंग एंड एमिटर बायसिंग, ये आपकी होती हैं फर्स्ट चैप्टर में। और उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ने हैं। दो मॉडल होते हैं हमारे, एच मॉडल एंड पाई मॉडल। एच मॉडल होता है आपका मीडियम फ्रिक्वेंसी के लिए और जो पाई मॉडल होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। और जो एच मॉडल होता है उसमें देखो, आपने देखा होगा दिस इज योर एच मॉडल, इसमें कहीं पे भी कैपेसिटर नहीं है। बट आपका जो हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल होता है उसमें कैपेसिटर पिक्चर में आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। सेकंड चैप्टर आप देखते हैं, सेकंड इज योर सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर होता क्या है फ्रेंड्स, बेसिकली एम्पलीफायर या तो हमारा BJT होगा या हमारा फैट होगा। BJT होता है, इसका मतलब कि एम्पलीफिकेशन का मतलब आप जानते हो, एम्पलीफिकेशन मतलब किसी को भी किसी सिग्नल को बढ़ाना। जब हम एक इनपुट देते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर में, ये आपका ट्रांजिस्टर है, लेट अस से आपने ये इसमें सिनोसाइडल इनपुट दिया और इसका जो आउटपुट होगा दैट वुड बी लाइक दिस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया है। तो आपकी ये डिवाइस जो है ये कैसे काम कर रही है, इट इज़ वर्किंग लाइक ए एम्पलीफायर, ठीक है। तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है और फिर मल्टीपल स्टेज, सेकेंड इज योर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का मतलब होता है जब आपका सिर्फ एक ट्रांजिस्टर पिक्चर में हो और उसके जो कंपोनेंट है लाइक दिस, दिस इज योर RC, दिस इज योर RE, इस तरह की डिवाइस है अगर, तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेज है, मतलब एक ट्रांजिस्टर को, एक कंपोनेंट को आप बोलेंगे वन स्टेज। अगर मैं इसमें इसकी कपलिंग कर दूं RC के थ्रू, दिस इज योर RE, दिस इज योर RC,
अब यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर हो गए, ट्रांजिस्टर वन ट्रांजिस्टर टू, तो इसको बोलते हैं डबल स्टेज। तो इसी तरीके से आपके मल्टी स्टेज हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ स्टेज हो सकते हैं। तो सिंगल स्टेज मतलब वी आर यूजिंग ओनली वन ट्रांजिस्टर इन सिंगल स्टेज, और वो क्या कर रहा है आपके सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है, तो इसको बोलते हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। अब उसके बाद क्या होता है, दैट इज योर इसमें बेसिकली क्या होता है, सिंगल स्टेज में ट्रांजिस्टर को तीन तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर। कॉमन कलेक्टर मतलब आपने कलेक्टर को कॉमन कर दिया है, और आपने जो इनपुट ली है वो कॉमन बेस से ली है, और आउटपुट आपने लिया है, अगर हम फिगर की बात करें तो दिस वुड बी ओवर, यहाँ पे हमने इसको कॉमन कर दिया है और अपने आउटपुट यहाँ पे ले लिए। दिस इज योर एमिटर, दिस इज योर कलेक्टर, दिस इज योर बेस। तो बेस को आपने इनपुट दिया, कलेक्टर को कॉमन किया, कॉमन कर दिया मतलब ग्राउंड कर दिया आपने, और एमिटर से आपने आउटपुट ले ली, तो इसको बोलते हैं कॉमन कलेक्टर। ठीक है, इस दूसरा हो गया आपका कॉमन बेस। कॉमन बेस मतलब आपने दिस इज योर बेस को कॉमन कर दिया, आउटपुट जो है आपने कॉमन कलेक्टर से ले लिया, और इनपुट इज योर कॉमन सॉरी बेस एमिटर, इनपुट इज एमिटर, आउटपुट इज कलेक्टर एंड बेस। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं आप कॉमन बेस। बेसिकली जो भी, जैसे कि कॉमन बेस आ गया तो बेस को ग्राउंड कर दो, कॉमन कलेक्टर आ गया तो कलेक्टर को ग्राउंड कर दो, और अगर कॉमन एमिटर आ गया तो एमिटर को ग्राउंड कर दो। तो ये तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन है जो कि पॉसिबल है बीजेटी में। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको हर एक बहुत डीप में बताऊंगा कि कॉमन कलेक्टर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है, कॉमन एमिटर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है, और कॉमन बेस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है। बट शॉर्ट में मैं अभी बता देता हूँ आपको, कॉमन बेस जो है इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है दैट इज़ वेरी हाई, आउटपुट रेजिस्टेंस। ये याद रखने की बात है फ्रेंड्स, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। कॉमन एमिटर जो है मोस्ट यूज्ड सर्किट होता है, मोस्ट ये सबसे ज़्यादा यूज सर्किट होता है, मतलब एम्पलीफायर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले सर्किट को कॉमन एमिटर सर्किट को यूज करते हैं। तीसरा होता है आपका कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर मतलब आपका एमिटर फॉलोवर भी बोलते हैं इसको, कॉमन कलेक्टर का एक नाम एमिटर फॉलोवर भी है। और इसमें क्या होता है, इसका जो वी जीरो बाई वी आई होता है डेट इज इक्वल टू वन, तो वी जीरो इज इक्वल टू वी आई, मतलब इसकी जो इनपुट है वो आउटपुट को फॉलो करता है, डेट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन कलेक्टर। तो ये तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन है जो हम पढ़ेंगे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज योअर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। नेक्स्ट इज योअर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का क्या होता है, जब हम दो से तीन ट्रांजिस्टर को कास्केडेड में अटैच कर देते हैं लाइक दिस, लाइक दिस, और ये इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। मतलब हम यहां पे ट्रांसफॉर्मर का यूज कर रहे हैं, दिस इज योर सेकंड ट्रांजिस्टर। तो जब हम यहां पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को कास्केडेड फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ आरसी कपलिंग और ट्रांसफॉर्मर कपलिंग का यूज करके जोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। बेसिकली इसका यूज क्यों करते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, आपको पता ही है फ्रेंड्स, अगर एक डिवाइस का आउटपुट एक्स है और जो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, लेट अस से हम लाउड स्पीकर यूज कर रहे हैं और हमें 25
वोल्ट का और 25 वोल्ट का हमें आउटपुट चाहिए और हमारे सिंगल स्टेज का जो है वो 5 ही है, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें 5-5 वोल्ट के 5 को कैस्केड करना पड़ेगा ट्रांजिस्टर्स को, देन वी विल गेट 25 ऑफ आउटपुट। तो ये कारण है कि सिंगल स्टेज जब हमारा रिक्वायर्ड जो हमारा आउटपुट होता है नहीं मिल पाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक हमारी पढ़ने लायक चीज़ें हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में, दैट्स आर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्टोर्शन, क्योंकि जब बहुत सारी स्टेजेज ऐड होंगी तो डिस्टोर्शन भी होगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा उसका, एंड ट्रांसफॉर्मर कपल्ड कपल्ड आरसी एम्पलीफायर, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो मैंने अभी आपको बताया था जहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, बेसिकली इंडक्टर यूज करते हैं कपलिंग के लिए, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर कपल्ड, वो हम देखेंगे इस वाले उसमें। नेक्स्ट इज योर फीडबैक एम्पलीफायर, जो चौथा है आपका, दैट इज कॉल्ड फीडबैक एम्पलीफायर। तो इसमें अगर मैं बात करूं फीडबैक क्या होता है फ्रेंड्स, फीडबैक एम्पलीफायर मतलब एक ऐसा एम्पलीफायर जिसमें आप की जो इनपुट है वो है क्या, दिस इज योर सिस्टम, दिस इज योर गेन ए, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर इनपुट। इसका मतलब ये है कि ये है फीडबैक सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो इनपुट होती है डेट इज द मिक्स ऑफ ए पोर्शन ऑफ योर आउटपुट एंड योर इनकमिंग इनपुट। इसका मतलब क्या है कि आपको फीडबैक मिल रहा है, फीडबैक इस सिस्टम को बोलते हैं फीडबैक, और ये बीटा होता है आपका फीडबैक रेशियो, डेट इज फीडबैक रेशियो, और इसको रिटर्न रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बीटा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फीडबैक रेशियो और रिटर्न रेशियो। तो फीडबैक सिस्टम मतलब आउटपुट का एक पार्ट जा रहा है इनपुट में और मिक्स होके जा रहा है वापस एम्पलीफायर में, ए में, दिस इज योर एम्पलीफायर। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को आप क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, तो फीडबैक एम्पलीफायर बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ये चैप्टर फीडबैक एम्पलीफायर। तो मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको याद दिला देता हूँ क्या क्या होता है, योर वोल्टेज सीरीज, करंट सीरीज, वोल्टेज संट, करंट संट, ये इतने तरह के आपके होते हैं फीडबैक एम्पलीफायर। इसमें क्या होता है कि कुछ कंपोनेंट बढ़ता है, कुछ कंपोनेंट घटता है, मतलब इसमें हम जैसे बेसिकली जो भी एम्पलीफायर होते हैं फ्रेंड्स उसके चार मेन कंपोनेंट होते हैं, वो हमेशा याद रखिएगा। पहला होता है आपका वोल्टेज गेन, चार कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, कोई भी एम्पलीफायर हो उसमें चार ही उसकी बात करेंगे हम, वोल्टेज गेन, करंट गेन, थर्ड इज योर आउटपुट रेजिस्टेंस, एंड फोर्थ वन इज योर इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये चार पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी एम्पलीफायर में किसी एक पैरामीटर का सिग्निफिकेंस ज़्यादा हो सकता है, किसी दूसरे में दूसरे पैरामीटर का सिग्निफिकेंस ज़्यादा हो सकता है। तो ये हम देखेंगे चारों जो आपका एम्पलीफायर है ये कैसे वर्क करता है, ये हम देखेंगे आपका फीडबैक एम्पलीफायर में। इसके अलावा
इसके अलावा एक इनपुट रेजिस्टेंस और गेन, करंट गेन को बढ़ाने के लिए, करंट गेन एंड इनपुट रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, ये दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं हमारे एम्पलीफायर में, हम एक यूज करते हैं बूट स्ट्रैप सर्किट का। तो एएमआई में जो पूछा जाएगा, एएमआई में पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय बूट स्ट्रैप एम्पलीफायर, प्लीज स्केच द डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंगली, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यू कैन ड्रॉ इट एंड यू कैन जस्ट एक्सप्लेन कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, यू कैन ड्रॉ इट, नो इश्यू। और बेसिकली आपको जो हाईलाइट करना है, अभी थोड़ा सा मैं आपको ये भी समझाऊंगा फ्रेंड्स कि लिखना कैसे होता है। बेसिकली मेरा 10 साल का करियर रहा है टीचिंग का, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो जिनको नॉलेज बहुत होती है बट उनको लिखना नहीं आता है कि वो कैसे रिप्रेजेंट करें चीज़ों को। बेसिकली एएमआई की अगर हम बात करें, जैसे कि आज हमारा जो वीडियो है दैट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर एएमआई स्टूडेंट्स, तो एएमआई के स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते होंगे और सब्जेक्टिव भी होते होंगे, बट जो सब्जेक्टिव आपके क्वेश्चंस हैं उसके जो मार्क्स हैं वो एक टॉपर स्टूडेंट जो होता है और जो कम मार्क्स वाला होता है या जो फेल हो जाता है उसकी नॉलेज एक जैसी हो सकती है, लेकिन आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो चीज़ों को उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और अगर बात करें लिखने की, तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा गंदा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा बेटर भी लिख सकते हैं इसको, बट एटलीस्ट अगर आपके घर में, मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा, अगर आपके घर में एक मेहमान आता है, उस मेहमान को आप थाली परोसते हैं, उस थाली में एक सिस्टमेटिक तरीके से ये आलू रखा, ये गोभी रखा, ये रोटी रखा, ये सलाद रखा, इस तरीके से चीज़ें रखते हैं, तो उसको खाने में अच्छा लगेगा। सेम थिंग यू कैन कंसिडर योर एग्जामिनर, आप अपने एग्जामिनर को एक मेहमान समझिए और अपनी जो वर्कशीट है जिसमें आप लिखते हैं उसको थाली समझिए खाने की। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसा खाना देना चाहते हैं। अगर आप उसको ऐसे ही लिख देंगे, ना कोई हेडिंग डाली आपने, ना कुछ डाला, जस्ट लिख दिया, नॉलेज बहुत है, सब कुछ आता है आपको, सब कुछ याद किया हुआ है, बट यू डोंट नो हाउ टू राइट, तो मैं इस पर एक अलग से लेक्चर लूँगा कि कैसे लिखना है, सिस्टमेटिक तरीके से बताऊँगा जब मैं आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चंस पेपर सोल्व कराऊँगा फ्रेंड्स। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आप कुछ भी उल्टा सीधा लिख देते हो, आपको आता बहुत है बट आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो। देखो, राइटिंग अच्छा होना और ख़राब होना एक अलग इशू है, बट ख़राब राइटिंग को भी अच्छे से रिप्रेजेंट करना एक आर्ट है जो कि आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो राइटिंग है वो तो जल्दी नहीं मतलब सुधर सकती है, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बट यहाँ पे टाइम की कमी होती है, आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग होंगे और उतना उनके पास टाइम नहीं रहता है, तो आपको ये देखना है कि एक रिप्रेजेंटेबल आपकी सीट होनी चाहिए, एक जो खाने वाला है उसको अच्छा लगे, उसको मार्क्स देने में अच्छा लगे। अगर आपका खाना ऐसे ही होगा तो फिर मार्क्स भी वो आपको ऐसे ही दे के चला जाएगा और ये इफ़ेक्ट कर जाएगा, आपने मेहनत बहुत की बट मार्क्स कम आए, ये आपने सुना होगा, बट क्योंकि ये थियोरेटिकल पेपर है आपको लिखना है, इसमें क्वेश्चंस बनाने हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपकी जो स्किल्स होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको कई बार नहीं भी आता है क्वेश्चंस, बट आप अच्छे से लिख के आते हैं, एक्सप्लेन करके आते हैं, इधर उधर का आपने थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो आपको 100% अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बट आपको आता बहुत अच्छे से, आप लिख नहीं पा रहे, आपने मतलब ऐसा लिख दिया कि उसकी समझ में ही नहीं आया, तो वो सही भी होगा तो गलत समझ के आपको नंबर काट लेगा। तो ये हम अलग से एक डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट इन एएमआई एग्जाम, ये मैं एक क्लास लूँगा। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट इज योर, इसमें हम देखते हैं क्या पढ़ा रहे थे। हाँ, तो बूट स्ट्रैप वगैरह आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं योर स्टेबिलिटी एंड ऑसिलेटर, स्टेबिलिटी एंड ऑसिलेटर। चलिए, स्टेबिलिटी एंड ऑसिलेटर्स में क्या होता है फ्रेंड्स, ऑसिलेटर्स जो हैं दैट इज़ ऑल्सो योर फीडबैक एम्पलीफायर, ये भी आपके फीडबैक एम्पलीफायर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो फीडबैक एम्पलीफायर है दैट इज योर निगेटिव फीडबैक। इसका मतलब क्या है कि आपके जो फीडबैक एम्पलीफायर हैं वो क्या यूज करते हैं आपका निगेटिव फीडबैक,
और जो आपके ओसिलेटर्स हैं वो यूज करते हैं आपका पॉजिटिव फीडबैक, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ओसिलेटर्स यूज करते हैं आपका पॉजिटिव फीडबैक। एम्पलीफायर नेगेटिव फीडबैक, ओसिलेटर पॉजिटिव फीडबैक। तो जब वो पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि उसमें क्या है, आपको कोई भी इनपुट देने की जरूरत नहीं होती है ओसिलेटर्स में। ओसिलेटर्स में जो नॉइज होता है वो ही एक इनपुट की तरह वर्क करता है, और इसमें दो कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं बाक हुसैन क्राइटेरिया। तो ओसिलेशन जो है फ्रेंड्स, आपको अगर एक कंटिन्यूस ओसिलेशन लेना है तो वो दो कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था दिस इज योर एम्पलीफायर, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर इनपुट। तो एक जनरल डायग्राम है फॉर योर फीडबैक एम्पलीफायर। अब इसको हम देखते हैं, अगर ये ओसिलेटर है, इफ इट इज अ ओसिलेटर, तो ये दो कंडीशन कंप्लीट करेगा। फर्स्ट इज योर ए बीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। सेकेंड, ये जो इसका फेज होना चाहिए दैट शुड बी जीरो और 180। ठीक है, इसको बोलते हैं बार्क हुसैन क्राइटेरिया। बार्क एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ओसिलेटर के लिए दो कंडीशन बताई थी कि अगर आपकी गेन है ए बीटा जो है वो वन रहेगा, क्योंकि जब ये पॉजिटिव रहेगा तो इसका जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ए अपॉन वन माइनस ए बीटा। अब आप यहां से देखोगे अगर ए बीटा वन हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा और यहां पे ए एफ इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब इसका गेन इन्फिनिटी होने से क्या होगा, यू विल गेट द सस्टेन ओसिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फॉर गेटिंग ए एफ इन्फिनिटी ए बीटा शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है आपका फॉर ओसिलेशन, इसको याद रखना है। बार्क हुसैन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एएमआई में हमेशा पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द असेंशियल कंडीशन फॉर ओसिलेशन। ये बीटेक जब हम लोगों ने, मैंने काफ़ी पहले बीटेक जब बीटेक किया था तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था, व्हाट आर द, व्हाट डू मीन, शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है, दो नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय बार्क हुसैन क्राइटेरिया इन ओसिलेटर। लॉन्ग टाइप में पूछा जाएगा तो आपको पूरा ड्राइव करना पड़ेगा, तो अगर 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है यू हैव टू ड्राइव ऑल द एक्सप्रेशन। और अगर एसएससी में पूछा जाएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा व्हाट आर द कंडीशन, तो इसमें सारी ए बीटा लेस देन जीरो, ए बीटा इक्वल टू वन, ए बीटा ग्रेटर देन वन, ये सारी कंडीशंस रहेंगी, तो आपको यू हैव टू चूज वन ऑप्शन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें, उसके बाद आता है कि कितने तरह के ओसिलेटर होते हैं, हाउ मैनी टाइप ऑफ ओसिलेटर्स, जैसे कि आरसी फेज शिफ्ट, वेन ब्रिज, और आपका तीसरा क्रिस्टल ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, एंड कोलपिट ऑसिलेटर। ये आपके सारे क्या होते हैं, ऑसिलेटर्स होते हैं फेस शिफ्ट। इनके यूजेज अलग अलग हैं, जैसे आरसी फेस शिफ्ट इज यूज फॉर ऑडियो, दिस इज यूज फॉर ऑडियो, वेन ब्रिज, क्रिस्टल ऑसिलेटर फॉर वीडियो, दिस इज ऑल्सो वीडियो। तो कहाँ पे क्या ऑसिलेटर यूज होता है वो आपको याद रखना है फ्रेंड, आरसी फेस शिफ्ट हो गया, वेन ब्रिज हो गया, क्रिस्टल हो गया, हर्टले हो गया एंड कोलपिट हो गया, ये सब आपको स्टडी करने हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा एएमआई में कि प्लीज ड्रा द नीट डायग्राम, प्लीज स्केच
neat diagram of RC phase shift oscillator and explain each and every component in detail. इस तरह के questions आए हुए हैं last year हमने देखा है. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले RC phase shift का आपको diagram बनाना है, उसके बाद उसकी condition होती है, इसमें सबकी condition है oscillation की, कि circuit की condition ये होगी तब जाके ये oscillate करेगा. तो कंडीशन आपको ड्रॉ करनी है, कंडीशन लिखनी है, उसके बाद उसका कैसे वर्क करता है. तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आपका डिटेल में जब हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज ओवर ऑपरेशनल एम्पलीफायर. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, और इसका कारण ये भी है क्योंकि इसका इंडस्ट्री में यूज बहुत ज़्यादा है. इंडस्ट्री में यूज इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसी है. ये ऑपरेशनल, सबसे पहले मतलब मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कि ऑपरेशनल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एडिशन के काम भी आता है, मल्टीप्लिकेशन के काम भी आता है, सब्सट्रैक्शन के काम भी आता है, लॉगरिथम भी काम आता है, फिल्टर्स आप इसको यूज कर सकते हैं. तो देर आर एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. तो बहुत सारे ऑपरेशंस, बेसिकली जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो हम बाय यूजिंग योर ओपैम्प, इसको शॉर्ट में ओपैम्प बोलते हैं, ओपैम्प की मदद से हम परफॉर्म करते हैं. ठीक है, ओपैम्प की मदद से हम परफॉर्म करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर. और कुछ इस तरह का इसका डायग्राम होता है. इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, और पॉजिटिव वाले को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. दिस इज योर इनपुट, ये इनपुट होता है. दिस इज योर इन्वर्टिंग टर्मिनल, दिस इज योर आउटपुट टर्मिनल. सॉरी, दिस इज इन्वर्टिंग, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग. ये हमेशा याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा. नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, दिस इज योर आउटपुट. मतलब निगेटिव मतलब इन्वर्टिंग. इन्वर्टिंग क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, हम देखेंगे इसमें. जब हम इसका इन्वर्टिंग में, यहाँ पे जब हम इसका वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इन्वर्टिंग वाला जो इसका टर्मिनल है, तो हमको जो आउटपुट मिलती है दैट वुड बी वी जीरो इज इक्वल टू माइनस वी आई. इसका मतलब क्या है कि आपकी जो आउटपुट है उसका जो फेज शिफ्ट है वो 180 डिग्री है. किसके रेस्पेक्ट में? वी आई के रेस्पेक्ट में. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इन्वर्टिंग टर्मिनल. और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है पॉजिटिव वाला, वो नॉर्मल आउटपुट मिलती है, वी जीरो इज इक्वल टू वी आई. ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं इसको इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. आगे देखें, अगर ओपैम्प में ही, ओपैम्प को हम अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक इसकी बहुत पूछी जाती है. तो इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, सीएमआरआर, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. ठीक है, तो इनपुट रेजिस्टेंस शुड बी इन्फिनिटी, आउटपुट रेजिस्टेंस शुड बी जीरो, सीएमआर शुड बी इन्फिनिटी. तो जो भी इसमें बेसिकली जो टर्म है इनपुट से रिलेटेड वो इन्फिनाइट होना चाहिए. इसका जो वोल्टेज गेन है दैट इज ए वी शुड बी इन्फिनिटी. ठीक है, तो ये आइडियली इस तरह का सर्किट है कि आपको हर चीज़ इन्फिनिटी दे देगा. ठीक है, तो दैट्स वाई ये बहुत इम्पोर्टेंट सर्किटरी है इसकी. इसको आप एज ए फिल्टर भी यूज कर सकते हो, एज ए लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, और एज ए मल्टीप्लायर आप इसको यूज कर सकते हो, एज ए लॉगरिथमिक एम्पलीफायर आप यूज कर सकते हो, लॉगरिथमिक वो यूज कर सकते हो आप इसको, एंटी लॉगरिथमिक सर्किट यूज कर सकते हो, रेक्टिफायर की तरह आप यूज कर सकते हो, और आप इसको मतलब देर आर एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. तो ये सब इसका है. नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो आपका है
नेक्स्ट टॉपिक इज ओवर पावर एम्पलीफायर. नेक्स्ट इज योर पावर एम्पलीफायर. नेक्स्ट इज योर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का क्या होता है, जब हम 2 से 3 ट्रांजिस्टर को कास्केडेड में अटैच कर देते हैं लाइक दिस और ये इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर ट्रांसफॉर्मर कपलिंग. मतलब हम यहां पे ट्रांसफॉर्मर का यूज कर रहे हैं. दिस इज योर सेकंड ट्रांजिस्टर. तो जब हम यहां पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को कास्केडेड फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ आरसी कपलिंग और ट्रांसफॉर्मर कपलिंग का यूज करके जोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. बेसिकली इसका यूज क्यों करते हैं, व्हाई वी आर यूजिंग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, आपको पता ही है फ्रेंड्स. अगर एक डिवाइस का आउटपुट एक्स है और जो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, लेट अस से हम लाउड स्पीकर यूज कर रहे हैं और हमें 25 वोल्ट का और 25 वोल्ट का हमें आउटपुट चाहिए और हमारे सिंगल स्टेज का जो है वो 5 ही है, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें 5-5 वोल्ट के 5 को कैस्केड करना पड़ेगा ट्रांजिस्टर्स को, देन वी विल गेट 25 ऑफ आउटपुट. तो ये कारण है कि सिंगल स्टेज जब हमारा रिक्वायर्ड जो हमारा आउटपुट होता है नहीं मिल पाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यूज करते हैं. ठीक है, तो इसमें जो बेसिक हमारी पढ़ने लायक चीज़ें हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में, दैट्स आर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्टोर्शन, क्योंकि जब बहुत सारी स्टेजेज ऐड होंगी तो डिस्टोर्शन भी होगा. फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा उसका, एंड ट्रांसफॉर्मर कपल्ड कपल्ड आरसी एम्पलीफायर. ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, तो मैंने अभी आपको बताया था जहां पे हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, बेसिकली इंडक्टर यूज करते हैं कपलिंग के लिए, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर कपल्ड, वो हम देखेंगे इस वाले उसमें. नेक्स्ट इज योर फीडबैक एम्पलीफायर, जो चौथा है आपका, दैट इज कॉल्ड फीडबैक एम्पलीफायर. तो इसमें अगर मैं बात करूं फीडबैक क्या होता है फ्रेंड्स, फीडबैक एम्पलीफायर मतलब एक ऐसा एम्पलीफायर जिसमें आप की जो इनपुट है वो है क्या, दिस इज योर सिस्टम, दिस इज योर गेन ए, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर इनपुट. इसका मतलब यह है कि यह है फीडबैक सिस्टम. इसमें क्या होता है, जो इनपुट होती है डेट इज द मिक्स ऑफ ए पोर्शन ऑफ योर आउटपुट एंड योर इनकमिंग इनपुट. इसका मतलब क्या है कि आपको फीडबैक मिल रहा है, फीडबैक इस सिस्टम को बोलते हैं फीडबैक, और ये बीटा होता है आपका फीडबैक रेशियो, डेट इज फीडबैक रेशियो, और इसको रिटर्न रेशियो भी बोलते हैं. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बीटा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फीडबैक रेशियो और रिटर्न रेशियो. तो फीडबैक सिस्टम मतलब आउटपुट का एक पार्ट जा रहा है इनपुट में और मिक्स होके जा रहा है वापस एम्पलीफायर में, ए में, दिस इज योर एम्पलीफायर. ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को आप क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, फीडबैक एम्पलीफायर. ठीक है, तो फीडबैक एम्पलीफायर बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ये चैप्टर फीडबैक एम्पलीफायर. तो मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको याद
दिला देता हूँ क्या क्या होता है. योर वोल्टेज सीरीज, करंट सीरीज, वोल्टेज सेंट, करंट सेंट, ये इतने तरह के आपके होते हैं. फीडबैक एम्पलीफायर, इसमें क्या होता है कि कुछ कंपोनेंट बढ़ता है, कुछ कंपोनेंट घटता है. मतलब इसमें हम जैसे बेसिकली जो भी एम्पलीफायर होते हैं फ्रेंड्स, उसके चार मेन कंपोनेंट होते हैं, वो हमेशा याद रखिएगा. पहला होता है आपका वोल्टेज गेन. चार कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, कोई भी एम्पलीफायर हो उसमें चार ही उसकी बात करेंगे हम. वोल्टेज गेन, करंट गेन, थर्ड इज योर आउटपुट रेजिस्टेंस, एंड फोर्थ वन इज योर इनपुट रेजिस्टेंस. तो ये चार पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं. किसी एम्पलीफायर में किसी एक पैरामीटर का सिग्निफिकेंस ज़्यादा हो सकता है, किसी दूसरे में दूसरे पैरामीटर का सिग्निफिकेंस ज़्यादा हो सकता है. तो ये हम देखेंगे चारों जो आपका एम्पलीफायर है ये कैसे वर्क करता है, ये हम देखेंगे आपका फीडबैक एम्पलीफायर में. इसके अलावा एक इनपुट रेजिस्टेंस और गेन, करंट गेन को बढ़ाने के लिए, करंट गेन एंड इनपुट रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, ये दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं हमारे एम्पलीफायर में. हम एक यूज करते हैं बूट स्ट्रैप सर्किट का. तो एएमआई में जो पूछा जाएगा, एएमआई में पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय बूट स्ट्रैप एम्पलीफायर, प्लीज स्केच द डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंगली. इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो यू कैन ड्रॉ इट एंड यू कैन जस्ट एक्सप्लेन कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. यू कैन ड्रॉ इट, नो इश्यू. और बेसिकली आपको जो हाईलाइट करना है, अभी थोड़ा सा मैं आपको ये भी समझाऊंगा फ्रेंड्स कि लिखना कैसे होता है. बेसिकली मेरा 10 साल का करियर रहा है टीचिंग का. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो जिनको नॉलेज बहुत होती है बट उनको लिखना नहीं आता है कि वो कैसे रिप्रेजेंट करें चीज़ों को. बेसिकली एएमआई की अगर हम बात करें, जैसे कि आज हमारा जो वीडियो है दैट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर एएमआई स्टूडेंट्स, तो एएमआई के स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते होंगे और सब्जेक्टिव भी होते होंगे, बट जो सब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन है उसके जो मार्क्स हैं वो एक टॉपर स्टूडेंट जो होता है और जो कम मार्क्स वाला होता है या जो फेल हो जाता है उसकी नॉलेज एक जैसी हो सकती है, लेकिन आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो चीज़ों को उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है. और अगर बात करें लिखने की, तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा गंदा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा बेटर भी लिख सकते हैं इसको. बट एटलीस्ट अगर आपके घर में, मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा, अगर आपके घर में एक मेहमान आता है, उस मेहमान को आप थाली परोसते हैं, उस थाली में एक सिस्टमेटिक तरीके से ये आलू रखा, ये गोभी रखा, ये रोटी रखा, ये सलाद रखा, इस तरीके से चीज़ें रखते हैं, तो उसको खाने में अच्छा लगेगा. सेम थिंग यू कैन कंसिडर योर एग्जामिनर. आप अपने एग्जामिनर को एक मेहमान समझिए और अपनी जो वर्कशीट है जिसमें आप लिखते हैं उसको थाली समझिए खाने की. अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसा खाना देना चाहते हैं. अगर आप उसको ऐसे ही लिख देंगे, ना कोई हेडिंग डाली आपने, ना कुछ डाला, जस्ट लिख दिया, नॉलेज बहुत है, सब कुछ आता है आपको, सब कुछ याद किया हुआ है, बट यू डोंट नो हाउ टू राइट. तो मैं इस पर एक अलग से लेक्चर लूँगा कि कैसे लिखना है, सिस्टमेटिक तरीके से बताऊँगा जब मैं आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चंस पेपर सोल्व कराऊँगा फ्रेंड्स. लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आप कुछ भी उल्टा सीधा लिख देते हो, आपको आता बहुत है बट आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो. देखो, राइटिंग अच्छा होना और ख़राब होना एक अलग इशू है, बट ख़राब राइटिंग को भी अच्छे से रिप्रेजेंट करना एक आर्ट है जो कि आपको आनी चाहिए. क्योंकि जो राइटिंग है वो तो जल्दी नहीं मतलब सुधर सकती है, बट इट रिक्वायर्स लोट ऑफ प्रैक्टिस. बट यहाँ पे टाइम की कमी होती है, आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग होंगे और उतना उनके पास टाइम नहीं रहता है. तो आपको ये देखना है कि एक रिप्रेजेंटेबल आपकी सीट होनी चाहिए, एक जो खाने वाला है उसको अच्छा लगे, उसको मार्क्स देने में अच्छा लगे. अगर आपका खाना ऐसे ही होगा तो फिर मार्क्स भी वो आपको ऐसे ही दे के चला जाएगा और ये इफ़ेक्ट कर जाएगा. आपने मेहनत बहुत की बट मार्क्स कम आए, ये आपने सुना होगा. बट क्योंकि ये थियोरेटिकल पेपर है, आपको लिखना है, इसमें क्वेश्चंस बनाने हैं,
तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपकी जो स्किल्स होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको कई बार नहीं भी आता है क्वेश्चंस, बट आप अच्छे से लिख के आते हैं, एक्सप्लेन करके आते हैं, इधर उधर का आपने थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो आपको 100% अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बट आपको आता बहुत अच्छे से, आप लिख नहीं पा रहे, आपने मतलब ऐसा लिख दिया कि उसकी समझ में ही नहीं आया, तो वो सही भी होगा तो गलत समझ के आपको नंबर काट लेगा। तो ये हम अलग से डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट इन AMI एग्जाम, ये मैं एक क्लास लूँगा। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट इज योर, इसमें हम देखते हैं क्या पढ़ा रहे थे। हाँ, तो बूट स्टेप वगैरह आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं योर स्टेबिलिटी एंड ओसिलेटर। चलिए, स्टेबिलिटी एंड ओसिलेटर्स में क्या होता है फ्रेंड्स, ओसिलेटर्स जो हैं दैट इज ऑल्सो योर फीडबैक एम्पलीफायर, ये भी आपके फीडबैक एम्पलीफायर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो फीडबैक एम्पलीफायर है दैट इज योर निगेटिव फीडबैक। इसका मतलब क्या है कि आपके जो फीडबैक एम्पलीफायर हैं वो क्या यूज करते हैं, आपका निगेटिव फीडबैक। और जो आपके ओसिलेटर्स हैं वो यूज करते हैं आपका पॉजिटिव फीडबैक, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ओसिलेटर्स यूज करते हैं आपका पॉजिटिव फीडबैक। एम्पलीफायर निगेटिव फीडबैक, ओसिलेटर पॉजिटिव फीडबैक। तो जब वो पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि उसमें क्या है, आपको कोई भी इनपुट देने की जरूरत नहीं होती है ओसिलेटर्स में। ओसिलेटर्स में जो नॉइज होता है वो ही एक इनपुट की तरह वर्क करता है। और इसमें दो कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं बाक हुसैन क्राइटेरिया। तो ओसिलेशन जो है फ्रेंड्स, आपको अगर एक कंटिन्यूस ओसिलेशन लेना है तो वो दो कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था दिस इज योर एम्पलीफायर, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर इनपुट। तो एक जनरल डायग्राम है फॉर योर फीडबैक एम्पलीफायर। अब इसको हम देखते हैं, अगर ये ओसिलेटर है, इफ इट इज अ ओसिलेटर, तो ये दो कंडीशन कंप्लीट करेगा। फर्स्ट इज योर ए बीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सेकेंड, ये जो इसका फेज होना चाहिए दैट शुड बी 0 और 180। ठीक है, इसको बोलते हैं बार्क हुसैन क्राइटेरिया। बार्क एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ओसिलेटर के लिए दो कंडीशन बताई थी कि अगर आपकी गेन है ए बीटा जो है वो 1 रहेगा, क्योंकि जब ये पॉजिटिव रहेगा तो इसका जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। अब आप यहां से देखोगे अगर ए बीटा 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और यहां पे AF इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब इसका गेन इन्फिनिटी होने से क्या होगा, यू विल गेट द सस्टेन ओसिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फॉर गेटिंग AF इन्फिनिटी ए बीटा शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है आपका फॉर ओसिलेशन, इसको याद रखना है। बार्क हुसैन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, AMI में हमेशा पूछा जाएगा कि व्हाट इज द असेंशियल कंडीशन फॉर ओसिलेशन। ये बीटेक जब हम लोगों ने, मैंने काफ़ी पहले बीटेक किया था तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था, व्हाट डू मीन, शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय बार्क हुसैन क्राइटेरिया इन ओसिलेटर। लॉन्ग टाइप में पूछा जाएगा तो आपको पूरा ड्राइव करना पड़ेगा, तो अगर 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है यू हैव टू ड्राइव ऑल द एक्सप्रेशन। और अगर SSC में पूछा जाएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा व्हाट आर द कंडीशन, तो इसमें सारी ए बीटा लेस देन 0, ए बीटा इक्वल टू 1, ए बीटा ग्रेटर देन 1, ये सारी कंडीशंस रहेंगी, तो आपको यू हैव टू चूज 1 ऑप्शन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें,
उसके बाद आता है कि कितने तरह के ओसिलेटर होते हैं, हाउ मैनी टाइप ऑफ ओसिलेटर्स, जैसे कि आरसी फेज शिफ्ट, वेन ब्रिज, और आपका तीसरा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, हार्टले ऑक्सीलेटर, एंड कोलपिट ऑसिलेटर। ये आपके सारे क्या होते हैं, ऑसिलेटर्स होते हैं फेस शिफ्ट। इनके यूजेज अलग अलग हैं। जैसे आरसी फेस शिफ्ट इज यूज फॉर ऑडियो, दिस इज यूज फॉर ऑडियो, वेन ब्रिज, क्रिस्टल ऑसिलेटर फॉर वीडियो, दिस इज ऑल्सो वीडियो। तो कहाँ पे क्या ओसिलेटर यूज होता है वो आपको याद रखना है फ्रेंड। आरसी फेस शिफ्ट हो गया, वीन ब्रिज हो गया, क्रिस्टल हो गया, हर्टले हो गया, एंड कोलपिट हो गया। ये सब आपको स्टडी करने हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा एएमआई में कि प्लीज़ ड्रा द नीट डायग्राम, प्लीज़ स्केच नीट डायग्राम ऑफ आरसी फेस शिफ्ट ओसिलेटर एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंपोनेंट इन डिटेल। इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, लास्ट ईयर हमने देखा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आरसी फेस शिफ्ट का आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद उसकी कंडीशन होती है, इसमें सबकी कंडीशन है ओसिलेशन की, कि सर्किट की कंडीशन ये होगी तब जाके ये ओसिलेट करेगा। तो कंडीशन आपको ड्रॉ करनी है, कंडीशन लिखनी है, उसके बाद उसका कैसे वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आपका डिटेल में जब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ओवर नेक्स्ट इज योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, और इसका कारण ये भी है क्योंकि इसका इंडस्ट्री में यूज बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री में यूज इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसी है। ये ऑपरेशनल, सबसे पहले मतलब मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कि ऑपरेशनल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एडिशन के काम भी आता है, मल्टीप्लिकेशन के काम भी आता है, सब्सट्रैक्शन के काम भी आता है, लॉगरिथम भी काम आता है, फिल्टर्स आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देर आर एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। तो बहुत सारे ऑपरेशंस, बेसिकली जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो हम बाय यूजिंग योर ओपैम्प, इसको शॉर्ट में ओपैम्प बोलते हैं, ओपैम्प की मदद से हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ओपैम्प की मदद से हम परफॉर्म करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और कुछ इस तरह का इसका डायग्राम होता है, कुछ इस तरह का इसका डायग्राम होता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, और पॉजिटिव वाले को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। दिस इज योर इनपुट, ये इनपुट होता है, दिस इज योर इन्वर्टिंग टर्मिनल, दिस इज योर आउटपुट टर्मिनल, सॉरी दिस इज इन्वर्टिंग, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग। ये हमेशा याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, दिस इज योर आउटपुट, मतलब निगेटिव मतलब इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, हम देखेंगे इसमें। जब हम इसका इन्वर्टिंग में, यहाँ पे जब हम इसका वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इन्वर्टिंग वाला जो इसका टर्मिनल है, तो हमको जो आउटपुट मिलती है दैट वुड बी वी जीरो इज इक्वल टू माइनस वी आई। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो आउटपुट है उसका जो फेज शिफ्ट है वो 180 डिग्री है, किसके रेस्पेक्ट में, वी आई के रेस्पेक्ट में। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इन्वर्टिंग टर्मिनल। और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है पॉजिटिव वाला, वो नॉर्मल आउटपुट मिलती है, वी जीरो इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं इसको इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। आगे देखें अगर,
ओपेम्प में ही, ओपेम्प को हम अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक इसकी बहुत पूछी जाती है, तो इसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, CMRR इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ठीक है? तो इनपुट रेजिस्टेंस शुड बी इन्फिनिटी, आउटपुट रेजिस्टेंस शुड बी जीरो, CMRR शुड बी इन्फिनिटी। तो जो भी इसमें बेसिकली जो टर्म है इनपुट से रिलेटेड वो इन्फिनाइट होना चाहिए, इसका जो वोल्टेज गेन है दैट इज AV शुड बी इन्फिनिटी, ठीक है? तो ये आइडियली इस तरह का सर्किट है कि आपको हर चीज़ इन्फिनिटी दे देगा, ठीक है? तो दैट्स वाई ये बहुत इम्पोर्टेंट सर्किटरी है इसकी। इसको आप एज ए फिल्टर भी यूज कर सकते हो, एज ए लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, और एज ए मल्टीप्लायर आप इसको यूज कर सकते हो, एज ए लॉगरिथमिक एम्पलीफायर आप यूज कर सकते हो, लॉगरिथमिक वो यूज कर सकते हो आप इसको, एंटी लॉगरिथमिक सर्किट यूज कर सकते हो, रेक्टिफायर की तरह आप यूज कर सकते हो, और आप इसको मतलब देर आर एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये सब इसका है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो आपका है नेक्स्ट टॉपिक इज ओवर पावर एम्पलीफायर, नेक्स्ट इज ओवर पावर एम्पलीफायर। तो लास्ट जो हमारा बचता है दैट इज योर पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। योर पावर एम्पलीफायर, दिस इज योर लास्ट टॉपिक, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल भी जो आएंगे वो एक दो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, वो तो उसमें क्या है कि ईजी है सॉल्व करना। तो बेसिकली पावर एम्पलीफायर होता क्या है, अभी जो मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड बताया, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ये बेसिकली क्या होते हैं आपके वोल्टेज बेस्ड एम्पलीफायर हैं। ये किसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहे हैं, बट जो पावर एम्पलीफायर कर रहा है बेसिकली इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ पावर फ्रॉम DC टू AC, ठीक है? तो DC टू AC कन्वर्जन हो रहा है इसमें, तो इसमें बेसिकली AB, AB, CD, इतने तरह के एम्पलीफायर होते हैं, ए एम्पलीफायर होता है, ए टाइप एम्पलीफायर, बी टाइप, AB एम्पलीफायर, सी। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि प्लीज़ ड्रा द डायग्राम ऑफ ए टाइप एम्पलीफायर एंड एक्सप्रेस इट्स एक्सप्रेशन ऑफ पावर, ठीक है? इसका पावर का जो आउटपुट एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, कितने परसेंट पावर होती है। तो ये जितना भी आपको नाम दिया गया है AB, C, AB, C, D, ये सब दिया गया है कि जो आपका सिनुसाइडल वोल्टेज है या सिनुसाइडल साइकिल है तो कितनी देर के लिए कंडक्ट करता है। अगर ये फुल के लिए कंडक्ट करता है, मतलब 360 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है, तो ये ए टाइप का पावर एम्पलीफायर है। अगर ये 180 के लिए करता है तो इट इज़ बी टाइप पावर एम्पलीफायर, 180 डिग्री उससे कम करता है तो ये लेस देन, तो ये क्या है, AB टाइप का एम्पलीफायर है, ठीक है? और जैसे जैसे कन्वर्जन कम होता जाएगा, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो साइकिल है, जो फॉलो करने की साइकिल है वो कम होती चली जाएगी, ये उसकी जो एफिशिएंसी है वो उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर वो पूरे को फॉलो कर रहा है तो ए टाइप का है, तो उसकी एफिशिएंसी सबसे कम है। जैसे जैसे आपका जो साइकिल है वो कम होता चला जाएगा, वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इस हिसाब से जो डी टाइप का है, जो कि स्पाइक्स के रूप में फॉलो करता है, स्पाइक्स के रूप में, उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, लगभग 100% है। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ यहाँ पे, अगर एक आप अच्छे से तैयार कर रहे हो, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो आपको ये हमेशा नोट डाउन करना चाहिए कि जो ए है दैट इज़ योर 25%, 250 मैक्सिमम, दिस इज़ योर 68%, दिस इज योर 85% एंड दिस इज योर 100%। तो ये आपको हमेशा नोट याद करना, एग्जाम में हमेशा लिख के लाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो आपका पावर एम्पलीफायर है वो यूज कहाँ पे होता है। ये क्वेश्चंस पूछा गया है फ्रेंड्स SSC वगैरह के एग्जाम में कि एट व्हाट स्टेज पावर एम्पलीफायर
यूज्ड। तो ये आपका बेसिकली, अगर मैं एक स्पीकर का बनाऊं, स्पीकर का एक मैं डायग्राम बनाता हूं, दिस इज योर स्पीकर। तो ये फर्स्ट स्टेज हो सकती है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेज, दिस इज योर सेकंड स्टेज, दिस इज योर लास्ट स्टेज। तो मैंने जैसे आपको बताया कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे जो आपका एम्पलीफिकेशन हो रहा है वो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट जो आपका कन्वर्जन होता है, जो आपका एम्पलीफिकेशन होता है, वो किस टर्म्स में होता है? पावर के टर्म्स में होता है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो लास्ट आपका एम्पलीफायर है, दैट इज योर पावर, पावर एम्पलीफायर। तो जो पावर एम्पलीफायर होता है वो कहाँ पे यूज होता है? जो ये इट इज लाउड स्पीकर, दिस इज योर लाउड स्पीकर। तो लास्ट स्टेज ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड पावर एम्पलीफायर। ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, हाँ, तो इसमें जो है एक और क्राइटेरिया होता है, पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर बी टाइप के एम्पलीफायर को ही बोलते हैं। एक्चुअली अगर हम बात करें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, बी एम्पलीफायर, बी टाइप एम्पलीफायर। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, दो ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर वन एंड ट्रांजिस्टर T2। ये हम अभी देखेंगे, दिस इज योर आउटपुट। तो जब आपकी इनपुट, पहला जो ट्रांजिस्टर है पुश करता है और सेकंड जो सेकंड उसके लिए ये पुल करता है, ठीक है। तो पुश और पुल करने के बीच में थोड़ा गैप रह जाता है, छूट जाता है, इसको बोलते हैं COD, क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जो COD हो, क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन है, दैट इज़ ए फिनोमिना विच अकर्स इन योर बी टाइप पावर एम्पलीफायर। ये हमेशा याद रखिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये इट इज़ ऑल अबाउट योर दिस सब्जेक्ट, योर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का। मैंने आपको एक एक चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये बता दिया है। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लाइक करें, शेयर करें अगर आपको पसंद आता है। और दूसरा, AMI से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, आप हमारा जो नीचे दिए हुए नंबर है उसमें पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह के आपको तैयारी में प्रॉब्लम आ रही हो, बेसिकली हम लोग यहाँ पे हेल्प करने के लिए हैं आपके। और जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको, अगर आपने फॉर्म भर दिया है आप डेडिकेटेडली, क्योंकि जो AMI की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, वो मोस्टली वर्किंग होते हैं या फिर उनके पास कुछ ना कुछ होता है, दैट्स वाई दे आर प्रेफरिंग AMI ओवर ए रेगुलर स्टडी। तो हम आपका जो टाइम कंस्ट्रेंट है उसको समझ सकते हैं। उसी के लिए हमने यहाँ पे ये जो वीडियो डिजाइन की है, उसी के लिए की है कि कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट आपको कैसे लेने हैं, और उस आउटपुट की हेल्प से आपको AMI में अच्छा करना है। AMI का जो रिजल्ट है हर जगह आपसे एक्सेप्टेबल है, चाहे आपका कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका कोई गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए हो। तो आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा ये सब्जेक्ट। दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स, जो कि ग्रुप ए का कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और धीरे धीरे हम इसमें बेस बनाएंगे। और इससे रिलेटेड एक दूसरा भी सब्जेक्ट है AMI में, दैट इज़ कॉल्ड डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स। तो अगर ये समझ में आ जाता है तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। बोथ सब्जेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि एक में डिजाइनिंग है एंड सेकेंड वाले में इसमें एप्लीकेशंस हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और मैं आपका वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। प्लीज़ अपना रिव्यू दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।